हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और काफ़ी दिनों से मेरे कोई व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और गर्मी की वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे थे। लेकिन आज हम निकले हैं, सुबह 4 बजे निकले थे अपने घर से और हम जा रहे थे झुंझुनू। लेकिन रास्ते में ही एक गाँव पड़ता है तो वहाँ पर हमें ऐतिहासिक बावड़ी देखने को मिली है, जो देखो मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी आपको। तो हम यहाँ पर रुक गए थे और ये बावड़ी के लिए, और ये झुंझुनू से पहले गांव पड़ता है बगड़। बगड़ में ये बावड़ी है और ये बहुत ही अनोखी और अलग किस्म की कुंड और बावड़ी है जो बहुत ही अलग ही है। ऐसी बावड़ी आपने आज तक नहीं देखी होगी। बावड़ियाँ तो कई पड़ी है, मेरी वीडियो भी कई हैं, लेकिन ये बावड़ी कुछ अलग ही है। और इसको मानना जाता है कि इस बावड़ी के अंदर बहुत गहरा पानी होता था, जो अब ये बावड़ी बहुत ही अंदर तक नीचे तक, यानी पानी का कोई स्रोत वो नहीं है कितनी गहराई है, लेकिन काफ़ी, और ये पूरी तरह से पक्की है। और हम यहाँ आ चुके हैं और इसकी गहराई का कोई नाप नहीं है, तो दिखाते हैं आपको और इसका आज का हाल दिखाते हैं। और ये उस टाइम बनी होगी, उसका हाल देखने के बाद आज दिखाते हैं आपको इसकी हालत कैसी है। और चलते हैं आपको लेके। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए बगड़ गांव है ये। हम झुंझुनू जाएंगे झुंझुनू फोर्ट देखने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें ये रास्ते में मिली है ये बावड़ी। देखिए इसका आकार, देखिए पूरी तरह से चौरस है। ये देखिए ये पूरी तरह से चौरस है। ये देखिए ये इसकी छतरी बनी हुई है। ये देखिए इसकी छतरी दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये छतरी है इसकी। ये देखिए इसके 1 2 3, ये देखिए चारों तरफ छतरियाँ बनी हुई हैं। और ये रास्ता है इसका जाने का छतरियों पे, लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, और ये पूरा कुंड होता था नहाने के लिए, अभी ये मना कर दिया गया है क्योंकि ये पूरा भरा होता था यहाँ तक, लेकिन अब इसको सरकार ने सुखवा दिया है क्योंकि काफ़ी यहाँ काफ़ी हादसे हुए, इसके बाद इसे रोक दिया गया है। ये देखिए और ये इसका रास्ता है। ये देखिए इसका रास्ता। ये देखिए चारों तरफ से ये बावड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये देखिए ये पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। ये यहाँ तक भरा होता था, काफ़ी हादसे भी होने लगे थे, इसलिए सरकार ने इसको खाली करवा दिया गया और बाहर नोटिस लगा दिया गया, तैरना और नहाना मना है। ये देखिए सुखाया गया पानी बाहर निकाला गया है। ये देखिए सो बारिश बुरिश का सब पानी इकट्ठा होता था। ये बहुत टाइम पुरानी बनी हुई बावड़ी है ये बगड़ बावड़ी। ये देखिए और ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये वो कुंड था, इसमें लोग नहाते थे, लेकिन अब सरकार ने इसको बंद कर दिया गया है। और ये देखिए चारों तरफ देख सकते हैं आप। और ये अभी दिखाएंगे आपको वो नज़ारा जहाँ से इसका पानी का स्रोत आता था। अब भी पानी है वहाँ पे, लेकिन जाना मना है सबका, लेकिन हम आपको लेके चलेंगे उस साइड से। और ये देखिए ये है वो बावड़ी। ये यहाँ तक देख सकते हैं आप कितनी गहरी हो जाती होगी, यहाँ तक इसका पानी रहता था। ये देखिए पाइप लगे हुए हैं, ये पानी के स्रोत हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए ये पानी के स्रोत हैं, इस पानी आने के लिए, पानी के भराव के लिए। और इस मोटर से आप पानी बाहर निकालिए। देखिए 1 या 2, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी है ये पानी आने के स्रोत। एक वो होल दिख रहा है, ये देखिए यहाँ तक ये पूरा भरा होता था ये, और ये मोटर से निकाला गया इसका पानी पूरी तरह खाली। अब दिखाते हैं आपको जो ऐतिहासिक जगह जहाँ से ये पानी आता था, जो अब बिल्कुल सुखा दिया गया है। ये देखिए चलते हैं इसके अंदर, ये है वो, आते हैं उधर से। ये गया इसका रास्ता, ये देखिए इसका ऊपर का है, और ये गया इसके अंदर रास्ता जो ज़मीन के अंदर जाता है। और ये देखिए ये आ गए हम, ये देखिए ये रास्ते गए हैं दो, एक इधर से और ये देखिए पानी का इधर से भी स्रोत है, बारिश का पानी इधर से आता है। ये देखिए ये दो रास्ते बने हुए हैं। ये देखिए
ये बावड़ी के ऊपर आ गया। ये देखिए यहाँ से दिखाई देगी आपको। ये हम अंदर आ चुके हैं, अंदर इसका एक ही रास्ता, दो एक ही रास्ता है ये, इधर से रिपेडियो से इधर से, अरे देख सकते हैं आप, ये रास्ता गया है बावड़ी के बिल्कुल अंदर। और जो हमने बताया था आपको, ये है वो बाव जो पूरी तरह से है, ये इसका पानी का स्रोत है। देखिए पता नहीं कितने तक, और ये बावड़ी जो इतनी डरावनी है, ये देखिए धरती के अंदर से पानी आता है, इसे इसमें जाता है। ये देखिए इसकी बट, और देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा है, बहुत ही कहते हैं काफ़ी लोगों को ये बावड़ी अपनी तरफ खींच चुकी है। ये देखिए इसका रास्ता बना हुआ है नीचे से नीचे जाने का, ये देखिए। और ये जब पानी ज़्यादा हो जाता था तो ये बावड़ी यहाँ तक डूब जाती थी, लेकिन अब ये पानी टाइम टू टाइम निकाल दिया जाता है। और ये वो बावड़ी है जिसके हमने बताया था, इसके दो रास्ते हैं ऊपर जाने से। और ये देखिए ये इसका, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये पीछे का रास्ता है जब पलट जाता था। ये मेरे पीछे बावड़ी है। और ये इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आ भी सकते हैं। लोकेशन में आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, आप यहाँ के विजिट कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है ये देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग लाते रहूँ। और व्लॉग काफ़ी आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।